तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन 1 है डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये है मेरा y, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स बाई साइन एक्स। तो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में है, तो हम यहाँ डिवीजन रूल या कोशेंट रूल यूज करेंगे। तो मुझे dy बाय dx पता करना है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे y है मेरे पास e पावर x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मैं बोल सकता हूँ साइन x। अब e का पावर x बाई साइन x। तो कैसे करते हैं डिवीजन रूल में? पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप साइन x को बाहर निकालेंगे और फिर e का पावर x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी तरह से e का पावर x को बाहर निकालेंगे और फिर sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे डिवीजन रूल है तो बीच में माइनस। अब e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो हम सीधा जानते हैं इज e रेज टू पावर x, और माइनस e का पावर x और sin x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं cos x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन के आया sin स्क्वायर x। अब क्या कीजिए, e का पावर x आप कॉमन निकाल लीजिए और यहां बन गया मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन एक्स आएगा, और 1 बाय साइन एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। उसी तरह से कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉस बाय साइन हो गया कॉट एक्स, और एक साइन बचा उसको लिख दिए कॉसेक एक्स। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चाहे आंसर यहाँ छोड़ दीजिए या यहाँ छोड़ दीजिए, बात एक है, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन। तो सेकंड क्वेश्चन फिर से डिफरेंशिएट करना है e पावर साइन इनवर्स x को। तो e का पावर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स में y हमारा बना हुआ है e पावर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे आप चेन रूल यूज करेंगे, क्योंकि e का पावर t होना चाहिए था पर यहाँ t नहीं है, तो इस साइन इनवर्स x को आप मान लिए t। अब यहाँ पे t है तो dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई किया इनटू dx। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, e का पावर t का डिफरेंशिएशन, तो e का पावर t लिख दिया और फिर t की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज डी बाई डी एक्स, और t था मेरा साइन इनवर्स x। अब इस t की वैल्यू वापस रख दें तो t है साइन इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया e का पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आते हैं थर्ड पे, e का पावर x क्यूब। तो इसको y मान लीजिए। अब इसको y मान लिया तो dy बाई डी एक्स मेरा इजीली हो जाएगा, y की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ e पावर x क्यूब। अब यहाँ तो x क्यूब ना होके x चाहिए था, तो इस x क्यूब को आप मान ले t। अब यहाँ पे आप चेन रूल लगाते हुए dx आगे शिफ्ट किए, dt डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई, ताकि e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t आ गया, और फिर t की वैल्यू आपने रख दी x क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और इस t की वैल्यू x क्यूब, तो ये बन गया 3x स्क्वायर e का पावर x क्यूब करके। तो ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 पे साइन टैन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, इसको आप मान लीजिए y। अब इस y का डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो y की जगह तो हमने लिखा हुआ है साइन ऑफ, फिर है मेरे पास tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स करके। अब मुझे तो यहाँ साइन थीटा चाहिए था, तो चेन रूल लगाना है मुझे, तो यहाँ पे साइन थीटा, अब इस d थीटा से डिवाइड किया, अब इस d थीटा से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और d थीटा बाई dx। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, और इस थीटा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे ये थीटा माना है मैंने, टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स को मैंने माना हुआ है थीटा। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, दैट इज टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब एक बार और चेन रूल जाएगा, यहाँ ख़त्म नहीं होता है। टैन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स को टी मान लीजिए ना, या u मान लीजिए, जो मानना है। तो लेट्स से tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स को t मान लिया। अब यहाँ पे क्या किया, dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई इनटू dx। अब tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर होता है और ये आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, दैट इज कॉस ऑफ tan इनवर्स यहाँ बना है e पावर माइनस एक्स इनटू t का डिफरेंशिएशन। अब t मेरा e का पावर माइनस एक्स बना हुआ है, यहाँ पे हमने t माना था e का पावर माइनस एक्स को। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फिर से t की वैल्यू e का पावर माइनस एक्स यहाँ रख देता हूँ, तो मेरा बन क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन क्या है कॉस ऑफ, यहाँ पे है tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स और इनटू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर में t है e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब वैसे ही e का पावर माइनस एक्स को मैं करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे इस माइनस एक्स को u मान लिया। अब du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई इनटू dx, भले ही लंबा है पर बेसिक, अभी हम क्योंकि बेसिक वे में सीख रहे हैं, तो ये है कॉस ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा तो बाय 1 प्लस ई पावर माइनस 2x बन गया। और यहाँ पे e का पावर u का डिफरेंशिएशन e का पावर u आया इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, और u है मेरा माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, माइनस 1 को आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन गया माइनस कॉस ऑफ, ये आया tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, फिर है e का पावर u की वैल्यू माइनस एक्स है तो माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दी और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x करके। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू लॉग कॉस ई का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा था 2-3 बार चेन रूल लगाते हुए, सेम वही करना है, 2-3 बार चेन रूल लगाना है, पर अब मैं एक एक है ना स्टेप में नहीं जाऊँगा, एक ही साथ उन चेन रूल को अप्लाई करके दिखाऊंगा। लेट्स से डी ऑफ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लॉग ऑफ cos e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है बाय dx विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा cos ऑफ e का पावर x ना ये है log ऑफ, यहाँ पे t चाहिए था तो क्या कीजिए इस cos ऑफ e का पावर x को t मान लीजिए और dt से डिवाइड कीजिए और इसी dt से जब मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा t है cos ऑफ e का पावर x और e का पावर x को मैं मान लेता हूँ थीटा, तो फिर से d थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और d थीटा से डिवाइड करूंगा और थीटा मैंने e का पावर x को माना है। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में जानते ही हैं, तो ये जो x था उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया। तो एक ही स्टेप में आपने उन है ना जो आप चेन रूल 3 स्टेप में अप्लाई करने जा रहे थे वो एक ही स्टेप में करके दिखा दिए। तो यहाँ पे t है ना log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बन जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा क्योंकि सी वर्ड है, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन बन गया e का पावर x। अब सब्सटीट्यूट कर दे जिन जिनको आपने माना था, तो t आपने माना था कॉस e का पावर x को, तो यहाँ लिख देते हैं 1 बाय कॉस e पावर x इंटू माइनस ऑफ थीटा, और थीटा हमने माना था यहाँ पे cos थीटा में थीटा माना था e का पावर x को इनटू ये है e का पावर x, तो मैं फाइनल बोल देता हूँ यहाँ पे sin e का पावर x बाय cos e का पावर x, ये बन के आ गया tan e का पावर x और ये e का पावर x हमने पहले लिख लिया तो माइनस e का पावर x tan ऑफ e का पावर x। तो ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर रहा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप साथ हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर एंड सो ऑन e का पावर x का पावर 5, तो इसको आप मान लिए y। इस पूरे कंपोजिट फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन बताना है, तो ये लिखा हुआ है dy dx ऑफ, यहाँ पे है e पावर x, फिर सम रूल लगाते हुए dy dx ऑफ, यहाँ पे बना हुआ है e पावर x स्क्वायर, उसी तरह से प्लस एंड सो ऑन, मेरे पास है dy dx ऑफ e पावर x का पावर बना हुआ है 5। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन हम सीधा जानते हैं e का पावर x होता है। अब चलिए e का पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने की बात हो रही है, तो e का पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसके लिए हम क्या लगाएंगे चेन रूल, तो इसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे e का पावर एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए t, अब dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई by dx. E का पावर t का डिफरेंशिएशन बनने आ जाएगा e का पावर t, और t आपने माना था x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x e का पावर t आपने माना x स्क्वायर, तो ये बन गया 2x इंटू e का पावर x स्क्वायर. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू e का पावर x स्क्वायर. अब वैसे ही e का पावर x क्यूब होता तो x क्यूब को आप डिफरेंशिएट करते 3x स्क्वायर आता, और वो जो x क्यूब है उसको आप t मानते तो वही बन जाता e का पावर x क्यूब. उसी तरह से x का पावर 4 आता तो x का पावर 4 को चेन रूल से करते ये बनता 4x क्यूब, है ना. फिर हम बात करते x का पावर 4 को e का पावर x 4 ले लिया. वैसे ही e का पावर x 5 की बात करूं तो x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 होता, और फिर इस e का पावर x पावर 5 को एज इट इज रख देते. तो ये हम ना एक को हम डिफरेंशिएट किए, एक पैटर्न दिखा जो पावर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है और उसे मल्टीप्लाई करते जाना है उसी से. तो ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल सॉल्यूशन. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक नंबर 7 पे बात करने है, रूट अंडर e पावर रूट x. तो इसको मान लिया जाए y, और यहाँ पे डोमेन x 0 से बड़ा. अब यहाँ पे हम जानते हैं dy by dx करना है मुझे, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ dy by dx ऑफ y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी रूट अंडर e रूट ओवर x. अब रूट अंडर ये वाले पूरे e का पावर रूट x को हम t मान लेते हैं, तो इस e रूट x को t मान लिए. अब क्या कीजिए आप, अब यहाँ पे dt से डिवाइड और फिर dt से मल्टीप्लाई, और t क्या है आपका, t है e का पावर रूट x. और फिर से मैं 3 स्टेप में चेन रूल लगाऊं या एक ही साथ उसे सिंप्लीफाई करने जाऊं, तो मैं यहाँ बोलता हूं e का पावर रूट x जो होता उस रूट x को आपने u मान लिया, तो e का पावर u. अब du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई करिए, और u आपका रूट x था. तो ये रहा, आपने 3 स्टेप है ना चेन रूल लगाने की जगह एक ही स्टेप में अप्लाई कर दिया, तो ये रहा. अब रूट t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 रूट t करके, t का पावर 1/2 आएगा तो 1/2 t का पावर 1/2 माइनस 1 विच इज माइनस 1/2, तो t का पावर माइनस 1/2 बन गया 1/√t. e का पावर u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, e का पावर u, एंड सिमिलर वे में 1/√x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/2√x. तो ये बन के आया e का पावर u डिवाइडेड बाय ये 2 और 2 4 हो गया, और रूट अंडर t, t आपने माना है e का पावर रूट x को, तो e का पावर रूट x को, और आपने यहाँ पे रूट x पढ़ा ही हुआ है, तो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो u की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं रूट x e रूट x डिवाइडेड बाय यहाँ बन जाएगा 4/√x e का पावर रूट अंडर x. ये मेरा आया मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो आप 3 स्टेप में लगाने की जगह एक ही स्टेप में उस है ना जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसको सब्स्टिट्यूट मानते हुए आगे चेन बढ़ाते रहें, इसीलिए नाम पड़ा है चेन रूल. तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, x 1 से बड़ा, ताकि उसका डोमेन सेटिस्फाइड हो. तो dy by dx करने जा रहा हूँ. अब dy by dx के लिए मैं यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ विच इज लॉग ऑफ लॉग x, उसके बाद बाय dx करते हुए. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस log x के कारण हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी पूरे अंदर वाले log x को हमने मान लिया t. अब यहाँ पे ये जो log x को आपने t माना है तो dt से डिवाइड करें और dt से आप मल्टीप्लाई करें, तो dt, t है मेरा log x, तो t है log x. अब यहाँ पे log x यहाँ x है तो यहाँ x ही रहने दें, यहाँ कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं. log t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t हमने देखा था 1/t, और log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1/x, और t आपने माना है log x को, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें विच इज log x इंटू 1/x. तो ये मेरा बन के आया 1/x इंटू लॉग ऑफ x. तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, cos x by log x, x greater than 0. तो इसको मान लिया आपने y, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड करते हुए है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल करके हम बोलते हैं। तो ये है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय मेरा लॉग एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर देंगे, जो log x है उसका स्क्वायर कर दिए। अब log x को आप बाहर निकाले और फिर cos x को डिफ्रेंशिएट किए, फिर आप cos x को बाहर निकाले और log x को डिफ्रेंशिएट किए और दोनों के बीच आपने लगा दिया माइनस साइन। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन निकल के आएगा मेरा माइनस साइन x इंटू यहाँ पे बना हुआ है log x। फिर वैसे ही cos x और log x का डिफ्रेंशिएशन मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आया log x का होल स्क्वायर करके। अब चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें ना, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, एलसीएम अगर लेके रखूँ तो माइनस ऑफ माइनस कॉमन निकाल लिया x log x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चाहे तो मैं आंसर यहीं छोड़ दूं तो भी चलेगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे dy बाय dx करना चाहता हूँ। तो dy बाय dx के लिए यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, विच इज कॉस ऑफ यहाँ पे आपका log x प्लस बना हुआ है e का पावर x। अब इसको आप थीटा मान ले पूरी चीज़ को, क्योंकि चेन रूल लगाना है। तो cos ऑफ थीटा अब यहाँ पे d थीटा से डिवाइड इनटू d थीटा बाय dx। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ, और थीटा आपने माना है यहाँ पे log x प्लस e का पावर x। इस चीज़ को आपने माना था थीटा, तो थीटा log x प्लस e का पावर x है, उसको यहाँ रख देता हूँ log x प्लस e का पावर x। अब यहाँ पे माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ विच इज़ log x प्लस ई का पावर x इनटू यहाँ पे मैं चलाने जा रहा हूँ सम रूल विच इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर प्लस यहाँ पे बना हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x। अब ये तो बन गया माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे बन के आया log x प्लस ई पावर x इनटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स और e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x। अब चाहिए इसे सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो आंसर को यहीं तक आप छोड़ सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए iota इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।